वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने लगातार दूसरी बार जैसी प्रचंड जीत हासिल की, वैसा करिश्मा कम ही होता है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत यही बता रही है कि दिल्ली की जनता न केवल उसके कामकाज से खुश है, बल्कि उसे यह भी भरोसा है कि वह अपने वायदों को पूरा करके दिखाएगी। चुनाव नतीजे यह भी रेखांकित कर रहे हैं कि भले ही विरोधी दलों और खासकर भाजपा ने राष्ट्रीय मसलों को भुनाने की कोशिश की हो, लेकिन दिल्ली की जनता ने स्थानीय मसलों पर ही ध्यान केंद्रित किया। यह भी साफ है कि दिल्ली के लोग इस नतीजे पर भी पहुँचे कि इन मसलों का अच्छी तरह से निस्तारण केजरीवाल सरकार ही कर सकती है। शायद इसी कारण जिस जनता ने चंद माह पहले दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें भाजपा को दी, उसने विधानसभा में उसका संख्या बल 2.5 तक भी नहीं पहुंचने दिया। भाजपा इस पर संतोष कर सकती है कि उसका वोट प्रतिशत बढ़ गया, लेकिन उसे इस पर गंभीरता के साथ गौर करना होगा कि आखिर क्या कारण है कि राजधानी की जनता उसे देश का नेतृत्व संभालने के लिए तो सर्वथा उपयुक्त मानती है, लेकिन दिल्ली के लिए नहीं। हैरत नहीं भाजपा की पराजय के कारणों में एक कारण यह भी है हो कि वह अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार के तौर पर पेश नहीं कर पाई। जो भी हो, उसे इसका आभास होना ही चाहिए कि आम तौर पर राज्यों के चुनावों में राष्ट्रीय महत्व के मसले एक सीमा तक ही कारगर होते हैं। यह हैरानी की बात है कि चुनाव नतीजों से वह कांग्रेस भी संतुष्ट नजर आ रही है, जिसका खाता भी नहीं खुला। उसे संतुष्टि इस बात की है कि भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा। इसमें संदेह नहीं कि उसके अनमने ढंग से चुनाव लड़ने से आम आदमी पार्टी को मदद मिली, लेकिन आखिर खुद उसे क्या हासिल हुआ? यदि अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने वाली कांग्रेस दिल्ली में लगातार दूसरी बार अपना खाता न खुलने के बाद भी संतुष्ट है, तो यही कहा जा सकता है कि वह आत्मघात पर आमदा है। दिल्ली के नतीजे राजनीतिक दलों पर कुछ न कुछ मनोवैज्ञानिक असर अवश्य डालेंगे, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में कोई बुनियादी बदलाव आने के आसार नहीं, और इसकी वजह यही है कि कांग्रेस खुद को कमजोर करने वाले काम कर रही है। निस्संदेह सभी दल अपने अपने हिसाब से दिल्ली के नतीजों की व्याख्या करेंगे, लेकिन
किसी को भी इस निष्कर्ष पहुंचने की भूल नहीं करनी चाहिए कि शाहीन बाग का धरना सही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आए दिन हो रहे विस्फोट और विस्फोटकों की बरामदगी पर चिंता जताते हुए यह सवाल उठाया कि आखिर ऐसे माहौल में शांतिपूर्वक चुनाव कैसे संभव है। यह सवाल बहुत ही मौजू और चुनौतीपूर्ण है। संवैधानिक प्रमुख के इस सवाल के पीछे छिपी चिंता पर गौर करना जरूरी है। इसी वर्ष प्रदेश में निकाय चुनाव और अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है। जिस तरह हाल के दिनों में विस्फोट हुए और धरना प्रदर्शन के दौरान गोलियों और बमों के हमलों से फिजा खराब की गई, उससे बंगाल की शांति और उन्नति पर खतरे का साया मंडराने लगा है। आखिर यह क्यों हो रहा है? क्या सत्ता में बने रहने के लिए हिंसा का सहारा लेने की कोशिश हो रही है, या फिर आम आदमी को भयाक्रांत करने की कोशिश? यहाँ तक कि राज्यपाल के मुखर होने की वजह से उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। चाहे जाधवपुर विश्वविद्यालय की दीक्षा समारोह में उनका विरोध हो या कलकत्ता विश्वविद्यालय में, यद्यपि दोनों पक्षों ने माहौल को समरस बनाने की पहल जरूर की और बजट सत्र के अभिभाषण के दौरान धनखड़ ने सरकार के मन की ही बात बोली, लेकिन अक्सर उनके बयान कुछ लोगों को चुभने लगते हैं। राज्यपाल ने बारूद बरामदगी का सवाल उठाकर एक बड़ा मुद्दा उछाल दिया है। निर्वाचन आयोग ने हमेशा निष्पक्ष चुनाव के लिए शांति व्यवस्था पर जोर दिया है। टीएन सेशन के जमाने से ही चुनाव के दौरान अराजक तत्वों पर नकेल कसने की पहल शुरू हुई तो वह सिलसिला आज भी जारी है। तो फिर पश्चिम बंगाल में भी निकाय चुनाव से पहले बेहतर कानून व्यवस्था के लिए बलवा करने वालों और विस्फोटकों से जुड़े लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी कहते हैं कि राज्यपाल इस तरह के बयान चर्चा में बने रहने के लिए देते हैं। वह राज्यपाल को भी सवालों से घेरते हैं, लेकिन वीरभूम और वर्धमान जिले में बरामद हुए बम तो राज्यपाल की बात पर मुहर ही लगाते हैं। उत्तर 24 परगना में अवैध पटाखा बनाने वाली कंपनी में विस्फोट में 5 लोगों की जान चली गई। वहां से जब्त बारूद को गंगा किनारे नष्ट करने के दौरान इतना तेज धमाका हुआ कि दोनों तरफ के इमारतों में दरार आ गई। ऐसे में बेहतर व्यवस्था करना जरूरी है। स्टॉप।